Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 19, पर कोविड शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 96 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 61 केसेस बेंगलुरु अर्बन के हैं। उसके बाद हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर सुधाकर जी के बारे में, जहां पर कांग्रेस के सिद्धरमैया ओपोजिशन लीडर डिमांड कर रहे हैं उनका रेजिग्नेशन। जहां तुमकुरु में एक इंसिडेंट हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑपरेट नहीं किया गया या अंदर नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने आधार और मेटर्निटी कार्ड प्रोवाइड नहीं किए थे। इसी मौके पर वो लेडी की डेथ हो चुकी है और जो दो न्यू बॉर्नस हैं वो भी मर चुके हैं। इतना बड़े इंसिडेंट के बाद सिद्धरमैया और कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि डॉक्टर सुधाकर इमीडिएटली रिजाइन करें और जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है उसे इमीडिएटली डिसमिस करें और ये एंटायर इंसिडेंट को जुडिशियल प्रोब में लाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक भर में मिलेगा सबको पानी। जी हाँ, ये बात करी है स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर नल में आएगा सभी हाउस होल्ड्स को। जी अर्बन लोकल बॉडीज रहने दो या फिर टाउन पंचायत रहने दो या फिर टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिया सिविक बॉडी सबको मिलेगा साफ पानी। जी हाँ, यहाँ पर है जो पानी सही नहीं मिल रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे 11 नवंबर को, जब वो कर्नाटक स्टेट आने वाले हैं। 6 महीने बचे हैं इलेक्शंस के लिए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इस तरह की बात कर रही है क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सभी की डिमांड है, लेकिन ये सिर्फ जुमला रहेगा या फिर हकीकत में भी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा या सिर्फ ये इलेक्शन स्टंट है, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि साफ पानी नहीं पीने से कई लोग को हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और कई लोगों की डेथ भी हो रही है। इसी को चलते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्स्ट फ्री कर्नाटका 11 नवंबर को लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आलंद के रेप केस बारे में, उसमें काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन अब आगे बढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ मेंबर्स ने इन्वेस्टिगेशन करने की बात की है आलंद के रेप और मर्डर केस में, आइए देखते हैं। बिल्किस बानो की केस में सन्नड़ते बोल के अच्छे बर्ताव बोल के छोड़ दिया। अरे कोई रेपिस्ट को और अत्याचारी को अच्छे बर्ताव की कोई उम्मीद कर सकता है क्या? आज वो बच्ची शौचालय के लिए बाहर निकली थी, उसी वक्त उसका रेप हुआ है। अगर भगवत गीता पढ़ाए तो आज बच्चे उनके ही उम्र का बच्ची के साथ अत्याचार करके कत्ल करते और कल उनके घर के अंदर युद्ध करते, अगर भगवत गीता पढ़े तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, पकड़े है उसको सजा होने की डिमांड कर रहे हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रोटेस्ट जो चल रही है सीपीआईएम पार्टी मेंबर्स की तरफ से बीजेपी सरकार के खिलाफ। डे बाय डे जो इंक्रीज हो रहा है कम्युनल डिसहार्मोनी जो चल रही है वो इंक्रीज होती जा रही है और एयरपोर्ट से बेचा जा रहा है, और कहा कि नोट बैन और जीएसटी और 40% कमीशन की सरकार बीजेपी है, उसी को चलते हुए कई सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। 2014 में जो मोदी सरकार आ गया है, जब से इस देश में पूरे तनाव चल रहा है, इन्होंने कहे थे 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी हम दे देंगे, लेकिन 8 साल हो गया बीजेपी वाले ने ये सब काम कर रहा है, इसके खिलाफ में हम लड़ेंगे, बहुत बड़ा लड़ाई छेड़ेंगे आने वाले दिन में बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब खलील रहमान साहब जो गुलबर्गा शहर में हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग टाइम पे होने वाले हैं, तो हम आपको बता रहे हैं आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है उस पर हम नजर डालते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको अपडेट देने वाले हैं कि कौन से प्रोग्राम्स क्या क्या टाइम पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप नजर डालें तो ये प्रोग्राम होने वाला है सुबह 11 बजे उलमा के लिए मस्जिद बानो हाशमी रिंग रोड पर एक प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी साहब अपना वक्त देंगे। उसके बाद बड़ा प्रोग्राम होने वाला है केसीटी ग्राउंड में, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड न्यू चैलेंजेस पर बात की जा रही है। सभी अहबाब शिरकत फरमाएं, और साथ ही साथ मैं ख्वातीन से भी गुजारिश करूंगा कि हफ्ते के दिन यानी 5 नवंबर को हफ्ते के दिन केसीटी कॉलेज ग्राउंड में जलसे आम में मर्द हजरात के साथ साथ ख्वातीन के लिए भी पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। जिन उनवानों पर हजरत का खिताब होगा बसीरत अफरोज और पुरमस खिताब हजरत वाला का होगा, ज़रूर शरीक हों और हजरत वाला के बयान से ज़रूर इस्तेफादा फरमा। सबके लिए, सबके इफादे और इस्तेफादे के लिए ये इसका इनका हो रहा है। इन तमाम प्रोग्रामों में ज़रूर शिरकत करें। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब नासिर हुसैन उस्ताद सीनियर जीडीएस लीडर और
रहमतुल आलमीन सीरत कमेटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने आज अपील की है कि आप सजाद नुमानी साहब के इस प्रोग्राम को अटेंड कर इसे कामयाब बनाएं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5 नवंबर को हिंदुस्तान के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना कलीलुर्रहमान सज्जाद नुमानी साहब गुलबर्गा तशरीफ़ ला रहे हैं और उसी रोज़ बाद मगरिब KCT ग्राउंड में एक अजीम शान जलसा रखा गया है बावनवान न्यू चैलेंजेस एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बहुत ही मौजू उनवान है और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जो ना सिर्फ मज़हब पे बल्कि आज के सियासी हालात पर भी अपनी नज़र रखते हैं, मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा शहर की अवाम इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल एक्टिविस्ट जनाब मोहम्मद मुबीन साहब के बारे में, जो फिक्र लगा बैठे हैं कि उर्दू लैंग्वेज पर और साथ साथ माइनॉरिटीज़ पर जो सोशल इश्यूज़ हो रहे हैं और किस तरह से हमको सोशल इश्यूज़ पर माइनॉरिटीज़ को बचाना है और प्रेजेंट सरकार से क्या क्या डिमांड रखनी है और क्या क्या लैप्सेस हो चुके हैं, उस पर मोहम्मद मुबीन ने गोहैज से एक्सक्लूसिव बात की है। आइए देखते हैं। हुकूमत किसी जमात की नहीं होती, हुकूमत किसी खास तबके की नहीं होती, हुकूमत तमाम मजाहिब और तमाम जुबानों के साथ इंसाफ करे उसी का नाम हुकूमत है। कि इस मुल्क में अगर सबसे पसमंदा और गरीब अगर कोई अगर है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बावजूद हुकूमत चाहे सेंट्रल हुकूमत हो या स्टेट हुकूमत हो उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉलिसी और प्रोग्राम बनाया नहीं गया। आखिर हम भी इंसान हैं, इन 5 सालों के अंदर जो गिफ्ट नहीं मिल सका है ये बचे हुए 4-6 महीनों में वो काम हो सकेगा। बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस के लिए बात करते हैं तो हम टीचिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट की बात करें, सैयद अजमतुल्ला एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट DSR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में, जहां फ्रेश और एक्सपीरियंस टीचर्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मेसी 3 ईयर एक्सपीरियंस या फार्मेसी फार्मा डी इज रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग, जहां डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी के लिए जो है फार्मास्यूटिक्स में 1 पोस्ट खाली है, फार्मा केमिस्ट्री में 1, फार्माकोलॉजी में 1 और फार्माकोलॉजी में 1। जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर बी फार्म भी जो है प्रोग्रेस में चल रहा है। प्राइम प्रॉपर्टीज में आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद राज कॉम्प्लेक्स, जो बिसाइड आता है जीशान होटल तिमावरी सर्कल पर, जहां पर कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है 1600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, याद रखिए ये रेंट और सेल के लिए अवेलेबल है। 1600 स्क्वायर फीट एक प्राइम प्रॉपर्टी जो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है तिमावरी सर्कल बिसाइड जीशान होटल MD राज कॉम्प्लेक्स पर, तो देर ना करें, स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और इमीडिएटली इसके बारे में इंक्वायर करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में, जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो। यानी जो कामयाबी आपको धीरे से मिलती है, समझदारी से मिलती है, उसके अंदर आपका कैरेक्टर बनता है। जो सक्सेस आपको मिलती है कामयाबी की तरफ आप बढ़ते तो हैं, लेकिन जो फास्ट सक्सेस आपको मिलती है उससे हो सकता है कि आपके अंदर ईगो भी आए। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप सक्सेस आए, फास्ट आए, लेकिन आपके अंदर ईगो ना आए। Health and fitness segment is brought to you by D-Track Sports and Cycle Store, one of the most trusted cycle stores in Kalaburgi, opposite KMF Dairy, Hunnabad Ring Road, Kalaburgi. एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हफ्ते में 3 दिन काफी, यानी ओवर ज्यादा कमिट भी मत करें, ओवर परफॉर्म भी ना करें। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता से 30 मिनट्स प्रैक्टिस करते करते अपनी शॉर्ट प्राइवेट ट्रेनिंग या 1 सेशन या फिर होम वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा प्रोफेशनली वर्कआउट कर सकते हैं, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको ब्लड सर्कुलेशन में काफी मदद मिलेगी। कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज। ड्रॉप इन होते सीधा हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है आजम जुनेदी, गुड मॉर्निंग ताहिर सर, जुमा मुबारक। मोहम्मद अख्तर कह रहे अस्सलाम वालेकुम। अश्विन उमबगरी कह रहे हैं कल हाउसिंग बोर्ड में क्या हुआ, न्यूज़ नहीं बताया हमें, कुछ आइडिया नहीं है एक्जैक्टली, बताइए आपके पास कुछ न्यूज़ है तो प्लीज कमेंट करें। मोहिम पटेल ने कहा अस्सलाम वालेकुम। फिजा दीबा ने लिखा है 0 लिखा है उन्होंने, SMY लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, रोज डिलीवरी देख के ओमान से, इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग आने वाले हूँ, आपसे जरूर मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया SMY, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद शाह ने कहा अस्सलाम वालेकुम मुबारक, और जहां मसरत ने भी जुमा मुबारक कहा है, मोहम्मद शाहिद अहमद ने जुमा मुबारक कहा है, और एक शाहिद
शाहिद अहमद हैं, दो शाहिद अहमद, उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम। मौवा ख्वाजा पाशा ने भी माशाल्लाह मुबारक कहा जनाब शफी हुंडेकर साहब को। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Source and Sherwanis.